हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना बनाने के लिए मेरे को मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था कि मैं क्या ड्रॉ करूँ क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं बॉटल आर्ट करती हूँ आज, और मेरे पास लिटरली बहुत सारी दारू की बॉटल पड़ी है घर में, तो मैं मतलब उन खाली तो उनको यूज़ करते हैं और कुछ क्रिएटिव करते हैं। बॉटल आ चुकी है, लेकिन ना इसमें से तो थोड़ी सी क्वान्टिटी भी है, और ये तो हम ना ये स्टिकर्स हटा लेंगे और इसको मतलब पूरा साफ़ करके आती हूँ मैं। वेट, तो मैंने ये धो लिया अच्छे से। ये देखो सामने से ओल्ड मॉन्ग का स्टिकर भी निकाल दिए। मतलब ओल्ड मॉन्ग की बॉटल मैंने इसलिए लिए ना क्योंकि ये अच्छी दिखती है। पता नहीं देखो इसमें ज़्यादा डिज़ाइन डिज़ाइन भी करें, मतलब इसमें नॉर्मल पेंट भी करेंगे ना तो डिज़ाइन अपने आप आ जाएगी, तो क्वाइट गुड राइट। तो इसको अच्छे से पोंछ लेना है ताकि भाई, क्योंकि मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी उसमें वाटर यूज़ नहीं करता। मुझे अभी पता लगा है कि मेरे पास वाइट कलर नहीं है भाई। वाइट कलर के बिना कैसे मैं मतलब कोई पेंटिंग कर सकती। तो फर्स्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना ब्लैक और गोल्डन इन दोनों का शेड देती हूँ। मतलब पहले मैंने बताया बहुत सिंपल से सोचा था कि मैं पूरे पे वाइट बेस कलर करूँगी और गोल्डन से कुछ लिख दूँगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि अब मेरे पास वाइट कलर नहीं है। तो लेट्स लाइक पहले हाफ बॉटल ब्लैक से करते हैं, ऊपर से गोल्डन, नीचे से अपन ब्लैक रहने देंगे लाइक दिस। सी बिना बेस कलर के ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे, ये देखो बिल्कुल भी उसमें वो नहीं आ रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंट सा है, ट्रांसलूसेंट सा है, बट बस कर देते हैं आज क्योंकि इच्छा है, इसलिए कुछ बिगाड़ देंगे आज। पता है मैं क्या सोच रही हूँ कि मतलब मैंने इसको पूरा ही ब्लैक कर देती हूँ, क्योंकि देखो जहाँ पे ऐसा ऐसे मतलब एक बार ब्लैक किया हुआ है, लाइक यू कैन सी एक बार जहाँ पे ब्लैक किया हुआ है उसके ऊपर ब्लैक कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा शेड आ रहा है, मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आ रही है। और सोच रही हूँ कि गोल्डन जो है ना, ये जो बाउंड्रीज है ना इसकी जो सॉरी ये जो उठी हुई हैं, इन पर ना गोल्डन कर दूँगी और बहुत ईजीली भी हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा शटर्ड सा दिखेगा। और ये पूरी ब्लैक पता नहीं क्यों, बस मन है, अपन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी अच्छा जाता है या बुरा। तो ये देखो मैंने ना इसे ब्लैक कर दिया है, ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पास ना इनफ ब्लैक कलर नहीं था इसलिए मैंने इसको मतलब पता है बहुत जगह से छूट जाता है, इसलिए बेस कलर ज़रूरी होता है, सॉरी फॉर द नॉइज़, इसलिए बेस कलर ज़रूरी होता है। अभी जैसे आपने एक बार एक लेयर ब्लैक की कर लिया, अब इसके ऊपर एक और बार ब्लैक कर लो तो ना ऐसे जितना भी ये थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है ना ये भी नहीं दिखेगा। वैसे तो ना अपन इस पर जितना भी करेंगे ना उसके बाद ये नहीं दिखने वाला ऐसा कि, देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ना आप मतलब ऐसे ना छोटा सा ऐसे कॉटन का पीस ले लेना, और बहुत ज़्यादा कम, मतलब एकदम डॉट डॉट भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ना, बहुत कम इस पर गोल्डन लेना और जस्ट इस पर ऐसे टैप करना है हमें हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इस पर टैप करना है कि बस ऐसा लगे कि ब्लैक के ऊपर ना गोल्डन शेड आ रहा है, कलर नहीं है शेड आ रहा है, दैट्स इट। तो मैंने इस पर ना पूरा गोल्डन ऐसे कर दिया है और ये लिटरली अच्छा दिख रहा है, मतलब मेरे को पता नहीं था बट हाँ अभी ये अच्छा दिख रहा है। अब ना ये वाला हिस्सा मैंने खाली छोड़ा हुआ था जहाँ पे स्टिकर लगता है उसका, तो अब मैं तो सोच रही हूँ कुछ करती हूँ। हाँ तो मैंने सोचा था कि मैं ना ये फेविक्रिल का जो मोल्डेट होता है वो यूज़ कर लूँगी, ऑल दो वो ख़राब था बट स्टिल मैंने सोचा कि जैसे तैसे यूज़ कर लूँगी और उस पर ऐसे चिपका दूँगी, बट वो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया और मुझे ये सब हटाना पड़ा एंड देन मैंने नॉर्मल येलो पेंट किया।
मैंने इसको ना पूरा येलो कर दिया है क्योंकि बस कर दिया है। अब मैं ना एक इमोजी बनाने वाली हूँ इस पर, दैट्स इट, हो गया। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मेरे भाई कह रहा है कि मतलब थोड़ी सी जीप बनी है, लेकिन देखो ना इधर अपन ने ब्लैक के ऊपर गोल्डन शेड किया था तो ऐसे, और आगे मैंने इमोजी बना दिया। बट इट लुक्स गुड। और इसके अंदर मैं आप कोई भी ऐसे मनी प्लांट, दैट्स द ओनली थिंग, तो इसके अंदर हम मनी प्लांट उगाएंगे एंड इट्स कूल। वैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी कि मैं कोई डिज़ाइन कर दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन वो वाइट कलर की वजह से कुछ भी नहीं, मतलब दिस इमोजी इज़ द ओनली इमोजी जो मैं बना सकती। इवन मैं इमोजी भी नहीं बना सकती थी यहाँ पर वाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास, अगर आपको ऐसी और भी वीडियोज़ देखनी है लाइक बॉटल आर्ट वाली जिसमें मैं फेविकल यूज़ करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं उस पर बना दूँगी। ये तो बिल्कुल टाइम पास होता है ना जब बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो यू कैन डू दिस एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स नॉट दैट बैड, लिटरली यू मे ट्राई दिस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपको ऐसे ही हैंडमेड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स और मतलब ख़रीदने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। What the fuck? Why I'm not looking good? I'm not looking good. इतनी बेकार होती। हेलो एवरीवन, हेलो एवरी माय यूट्यूब चैनल। What the fuck? Why is it too tough? That's it for today guys, hope you like this video, thank you for watching, aur kya kya bolta ha, aur please subscribe kar dena, share kar dena is video ko, aur thank, aur kya bolu main।